हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपको आज बताऊंगा कि घर पे अलग अलग जरूरतों के लिए हम किस प्रकार से सैनिटाइजर बना सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। घर पे बनाने जा रहे हैं सैनिटाइजर। बहुत ही आसान तरीके से हम इस सैनिटाइजर को बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन, जो मार्केट में खाद बीज भंडार आदि वाली दुकानों पर मिल जाता है। और इसके साथ चाहिए हमें वाटर। ये वाटर हमारा या तो डिस्टिल वाटर होना चाहिए या मिनरल वाटर, जो कि बॉइल्ड करके ठंडा किया हो, उस पानी को हम इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों का रेशियो इस प्रकार से लिया जाता है कि सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन का 1 कप यदि हम लेते हैं तो हमें पानी के 25 कप की आवश्यकता पड़ती है। ये बकेट में मैंने 25 कप्स वाटर ले लिया है, बॉइल्ड किया हुआ ठंडा पानी, और इसमें मैं डाल रहा हूँ, ये 25 कप पानी मैंने लिया है और इसमें डाल रहा हूँ सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन। आप लोग मार्केट से इसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, खास भी भंडार वाली दुकानों पर यह हमें मिल जाता है। इसका सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन NaOCl, ये बहुत अच्छा सैनिटाइजर के लिए यूज़ किया जाता है। इसका अब हम 1 कप ले रहे हैं, जो कि हम 25 कप पानी हमने लिया है उसमें ये हम मिला देंगे। कुछ नहीं करना दोस्तों, अच्छे से बस इसको हमें अब मिक्स कर देना है। ध्यान रखना कि ये सैनिटाइजर हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी सरफेस पे इस्तेमाल कर सकते हैं, बस इसे आँखों और मुंह से बचाना होता है। हम मार्केट से जब घर पर आते हैं तो पहले स्प्रे द्वारा इस सैनिटाइजर को अपनी बॉडी पर, अपनी बाइसिकल पर, अपनी मोटरसाइकिल पर, या पैकेट जो पैकेट बंद सामान होते हैं उस पर स्प्रे कर सकती है। 3 से 4 मिनट के लिए उसे छोड़ दीजिए, उसके बाद सारे जर्म्स और वायरस उस पर से नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, ये वाली बॉटल जो है, ये स्प्रे हमें मार्केट से 100 से 150 के रुपए में मिल जाती है, जो आसानी से अवेलेबल है। इसमें जो नोजल है, इसको मैं फॉग दो तरीके से काम करती है। ये सीधे एक पॉइंट बनाती है या ये स्प्रे करती है। हमें इस स्प्रे को जब इस्तेमाल करना है, सैनिटाइजर को जब इस्तेमाल करना है, तो स्प्रे पर इसे रखना है। अभी मैं इस बोतल को भर लेता हूँ जो मैंने अभी सैनिटाइजर बनाया उससे। उसके लिए मैं स्कीप का प्रयोग करूँगा। स्कीप की सहायता से इस बोतल में मैं ये अपना बनाया हुआ सैनिटाइजर भर लेता हूँ। बच्चों को इससे दूर रखिएगा, हालांकि ये नुकसान नहीं देता, ये साधारण ब्लीच ही है। बोतल मैंने भर ली है। मैं आपको बता रहा था कि बच्चों को इन सब केमिकल से हमें दूर रखना है। ये जो हमने इन्हें सैनिटाइजर बनाया है, ये लार्ज स्केल पर हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हम अपनी बाहर से आने पर अपने सामान को, जो कि पैक्ड है, उस सामान को, अपनी कपड़ों को, शूज़ को, अपनी बाइक, कार, इस पर किसी पर भी स्प्रे कर सकते हैं। देखिए, इस प्रकार से इसे पंप करेंगे हम। ये पंप करने के बाद में इस नोजल को हम सेट कर लेंगे और मैं आपको अभी स्प्रे करके दिखाता हूँ। बोलो, देखिए इस प्रकार से हम इसको स्प्रे करेंगे और ये पूरा पूरा सैनिटाइज हो जाएगी मेरी बाइक। दोस्तों, इस प्रकार इस सैनिटाइजर को हम बनाकर रख सकते हैं। इसे हम 1 वीक तक इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों से दूर रखिएगा और ऐसे अपने हाथ पैर या ऐसे कटा या जला कोई स्थान है उस पर इसका इस्तेमाल ना करिएगा। इसका इस्तेमाल केवल आउटर सरफेस पे किया जाता है। मैंने आपको बताया कि पैक्ड हमारे जितने भी सामान है हम उस पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाहर से आने पर ये मैं दूसरे प्रकार का सैनिटाइजर बना रहा हूँ, जो कि हाइड्रोजन परऑक्साइड से तैयार किया जाता है। इसकी सहायता से हम अपने रिमोट कंट्रोल, घर में दरवाजे के डोर हैंडल, छोटी छोटी जो सरफेसेस हैं, मोबाइल पर हम अल्कोहल सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इससे हम आसानी से अपने मोबाइल को भी सैनिटाइज कर सकते हैं और हमें कोई नुकसान भी नहीं होगा। देखो, इस बॉटल में मैंने 2 कप पानी ले लिया है, जो कि बॉइल करके ठंडा कर लिया है। इस पानी में मैं दो ढक्कन ज़्यादा हो जाएगा, 1 ढक्कन हाइड्रोजन परऑक्साइड में मिला देता हूँ। ये बहुत अच्छा सैनिटाइजर होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, जो कि हॉस्पिटल आदि में यूज़ किया जाता है।
कि मैंने इसे मिला दिया है। बस ये हमारा सैनिटाइजर तैयार है। इस सैनिटाइजर को हम इस्तेमाल में ले सकते हैं अपने डोर हैंडल क्लीन करने में, रिमोट आदि क्लीन करने में हम इस स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एक माइक्रोफाइबर वाला हम क्लॉथ लेंगे कोई भी और उसे इस प्रकार से इससे स्प्रे कर लेंगे। स्प्रे को हल्का सा इस पर डालेंगे, ज़्यादा हमें इस्तेमाल नहीं करना, और इसको इस प्रकार से हम रिमोट आदि को, मोबाइल आदि को क्लीन कर लेंगे। ये हमारा सैनिटाइज हो चुका है। इसे थोड़ी देर के लिए हम रखा छोड़ देंगे, एक दो मिनट बाद इस पर जो भी जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस आदि हैं वो किल हो जाएंगे। आप इस सैनिटाइज़र को भी बना के रख लें। दोस्तों, हैंड सैनिटाइज़र बनाने के लिए हमें चाहिए हाइड्रोजन परऑक्साइड, रोजमेरी या लेवेंडर एसेंशियल ऑयल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल और एलोवेरा जेल। हैंड सैनिटाइजर बनाने के लिए मैं ले रहा हूँ आइसोप्रोपिल अल्कोहल 1 कप। ये मेडिकल शॉप पे आसानी से मिल जाता है। इसमें मैं मिला रहा हूँ थोड़ा सा हाइड्रोजन परऑक्साइड। दोस्तों, ये जो भी मैं आपको विधियाँ बता रहा हूँ ये WHO द्वारा प्रमाणित हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप एलोवेरा जल। देखिए, एलोवेरा अगर आपके घर पर है हम उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हमारे हाथों को, क्योंकि अगर हम अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्कोहल क्या करता है, हमारे हाथों में सारी नमी निकाल देता है, तो उस नमी को बनाने के लिए हम एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें मैं 1-2 ड्रॉप, आपको जिस प्रकार का भी एसेंशियल ऑयल पसंद है, मुझे रोजमेरी पसंद है, मैं यहाँ पर रोजमेरी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप इसके लिए लेवेंडर या जो भी आपको फ्लेवर अच्छा लगता है, स्मेल जिसकी, वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बस इतना ही काफ़ी है। हम सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जो जेल हमने डाला है एलोवेरा जेल, वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। ये हमारा हैंड सैनिटाइजर तैयार हो चुका है, जो कि अल्कोहल बेस है, जो अभी अभी मैंने आपके सामने बनाया था। इस प्रकार से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने हैंड को सैनिटाइज करने का। कभी भी हम बाहर से आते हैं, मार्केट से आते हैं, मार्केट में हम इसे अपने साथ लेकर कैरी कर सकते हैं, और किसी भी ऐसी सरफेस को हम टच कर रहे हैं जो पब्लिक टच में आती है, जैसे ATM इत्यादि, जैसे जो भी इस प्रकार की सर्फेसेज, हम उसको टच करेंगे, उसके बाद में अपने हैंड जो है सैनिटाइज कर सकते हैं। दूसरा जो सैनिटाइज़र मैंने बनाया है ये हाइड्रोजन परऑक्साइड बेस है। इसका इस्तेमाल हम घर के रिमोट, डोर हैंडल, इस प्रकार की सरफेस को, छोटी छोटी सरफेसेस को स्प्रे करके सैनिटाइज कर सकते हैं। इसके लिए हम माइक्रोफाइबर का यूज़ करना पड़ेगा। माइक्रोफाइबर पर हम इसको स्प्रे को लेंगे इस प्रकार से, और उससे हमें जो इस भी सरफेस को सैनिटाइज करना है उसको इस प्रकार से हम क्लीन कर सकते हैं और वो सैनिटाइज हो जाएगा। तीसरा जो मैंने सैनिटाइज़र बनाया है, स्प्रे सैनिटाइज़र है, ये सोडियम हाइपोक्लोराइड बेस है, और इसका हम इस्तेमाल लार्ज स्केल पर करते हैं। जैसे हम मार्केट से आते हैं, शूज़, हमारी गाड़ी है, हमारे बाइक है, हमारे कपड़े हैं, और घर के बड़े दरवाजे हैं, जितनी भी बड़ी चीज़ें हैं उन पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सैनिटाइज़र को हम ये तुरंत इस्तेमाल होने वाला सैनिटाइज़र, 2-3 सेकंड में ही अपना काम शुरू स्टार्ट कर देता है। और ये जो सैनिटाइज़र जो दो आप देख रहे हैं, ये सैनिटाइज़र 3-4 मिनट में अपना काम करते हैं। बाहर से कोई भी पैक सामान लेके आएंगे, इसका स्प्रे करेंगे, और स्प्रे करने के बाद हम उसे 3-4 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे, उसके बाद हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो जर्म फ्री, बैक्टीरिया फ्री, वायरस फ्री हो चुका होगा। ये सैनिटाइज़र आप घर पर बड़े आराम से बना सकते हैं। मैंने आपको सारी प्रोसेस दे दी है, मैं इनका फॉर्मूला भी आपको एक पिक्चर के थ्रू दे देता हूँ। आप घर पे बनाइए और बाहर मार्केट में पब्लिक से दूर रहिएगा। धन्यवाद।